3 दिन हो गए। अच्छा परसों से आपके पास है ये? हाँ जी, इसको गाड़ी के साथ बजा, इसका जो पिछला हिस्सा है वो उठा ही नहीं दे रहा है इसका। डॉक्टर ने बोला टीका लगा देते हम, मैंने बोला वो आ रहे हैं, टीम आ रही है उठाने वाली, बोले फिर तो बहुत अच्छा है। फिर तो बोला क्या पेन किलर लगाया होगा? हाँ जी पेन किलर लगाया था। हाँ एक लगाया, पता नहीं कौन सा लगाया कौन सा नहीं। दवा चाहे इंसान को दी गई हो या पशु को, सिर्फ ये पता होना कि गोली दी गई है या इंजेक्शन लगा है, ये जानकारी खासे काम की नहीं है। तो प्लीज़ आप डॉक्टर से पूछा करिए कि उन्होंने क्या दवाई दी है और क्यों दी है। चलता जरा भी नहीं है, कोई ओके सीटें मार रहा है। सुबह ना उधर पहुंच गया था ना, उधर से उठा के फिर इधर रखा है। दर्द है इसको? दर्द के इसके लग रहा है स्पाइन रही है, एक्सरे काफी बड़े हुए इसके। लैटरिन और बाथरूम पे इसका खुद का है नहीं लग रहा है कंट्रोल। पूछ लेते ना बाथरूम वगैरह का नहीं। धन्यवाद ना आपका, बहुत बहुत ठीक है भाई साहब। हाय स्वीटी, किसको इंटरव्यू ले रहे? शायद बोल रहे थे घिसट घिसट के चल रहा है ये। दीदी क्या है ये? टिक्स बहुत ज्यादा है दीदी इसको तो। टिक्स निमोल और कोकोनट ऑयल लगा देते हैं आज। ब्लड निकल रहा है क्या इसके यहाँ से? हाँ भाई वो चिपके हुए हैं ना, चूस रहे हैं उसका ब्लड, तो चूस लिया है उसने। डॉक्टर साहब वेलकम। वेलकम। आज बहुत दिनों बाद कहाँ गए थे आप ऐसे? मैं घर गया था। क्यों? रोका था उसका। सही में? वैसे गया था। वो देख लो कैसे ब्लश कर रहा है लड़का। लाल हो गया। कौन सी वो दिल चोरनी तेरी स्माइशु, जल्दी बता। इसको भी मुझे लगता है क्या हो गया? क्यों भाग गया? जीजू को मारा। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? वो बिल्ली आई थी, मुर्गी ले गई थी, बकरी बच गया। बिल्ली अच्छा यमुना हाँ घूम तो रही थी, बोली थी ना वो। हमने सोचा जी क्या आपको मारे किसी ने। ठीक है ठीक है जी। स्पाइन के अराउंड थोड़ी स्वेलिंग फील हुई है मुझे, और इस सच का मेजर फ्रैक्चर फील नहीं हुआ। राइट फीमर के अराउंड जो राइट पिछली टांग है, जो फीमर का हेड है, वहाँ पे थोड़ा कैपिटेटिंग साउंड फील हो रही है, और दूसरी टांग में ऐसे कुछ कैपिटेटिंग साउंड्स नहीं थी। तो एक बार एक्सरे करवा लेते हैं कि अंदर कोई हिप बोन को डैमेज तो नहीं है, कि सिर्फ फीमर को डैमेज है। बाकी तो फिर इसको भी चला के देखते हैं कि कैसा ये वेट ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी थोड़ी सी। वेट बीरिंग है, वेट ले रही है पर वीक स्टैंडिंग है। हम यहाँ पे अगर पकड़ के रख रहे हैं तो ले रही है वो वेट, याद रखिए इस बात को। ये देखो ये सपोर्ट के साथ ले रही है ना, सपोर्ट चाहिए देखो। नहीं थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही है एक टांग पे प्रॉपर लेने की, दूसरी में तो ज़्यादा है। ये तो चल रही है। हाँ मैं बोल रहा हूँ वेट बियर कर रही है, पर इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, क्योंकि एक्चुअली हिप वाले एरिया में स्वेलिंग है ना, उस एरिया में अगर फ्रैक्चर ना होता तो स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए थी, पर वो मस्कुलर इंजरी की वजह से भी स्वेलिंग हो सकती है। हो सकता है तो उनमें डाउन हो जाए, फिर हमें एक्सट्रा जरूर शायद ना पड़े। अभी दो एक दो दिन तो ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं इसको। बाकी इसके पैर वैर में फ्रैक्चर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं पैर में तो नहीं लग रहा। वेरी गुड, खुशी हुई मेरे को बहुत इसको खड़ा देख के। खड़ा होकर चल के एक बार थोड़ा सा ये होप मिल जाती है कि थोड़ा सा ये हाँ है, और रिकवरी के चांस भी थोड़े से ज़्यादा है, बढ़ जाते हैं फिर। भाई नहीं ये बाहर जाने का रास्ता वापस आ गया। आ जा आ जा आ जा, ऐसे ठीक हो जाए फिर वापस घर चले जा। ये बॉय है कि गर्ल? बॉय हो, ये सब बॉय हो। बॉय है? गुड बॉय। मैं हर किसी को गुड बॉय बोलता हूँ, गुड गर्ल तो नहीं बोलता ना। गुड बच्चा नहीं बोलता, गुड बॉय। कौन सी इंजेक्शन दी वैसे हमने इसको भी? न्यूरोकाइन का। न्यूरोकाइन क्यों? नर्वस सपोर्ट के लिए थोड़ा सा। अच्छा तो दांत टूट गए हैं, दांत टूटी टूटी हैं, मैं बहुत टूटी टूटी दांत हैं। दांत टूटे इसके? क्यों? दूध वाले। अच्छा दूध वाले भी नए आए गए ना? अभी जो कैनाइंस होते हैं उनके वो नहीं आए, छोटे हैं। तो बड़े बड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े होना है ना। ये तो सो गया डॉक्टर साहब। आराम मिल जाएगा थोड़ा सा। इवैल्यूएशन करते करते सो गया बच्चा।
हमने इसका नाम रखा है सपना। और सपना क्या सपना देख रहा होगा ये गेस करके आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। इसकी सिरप दी जाती है ना सप्लीमेंट्स, तो फीड में सप्लीमेंट्स मिला के देते हैं हम लोग, ताकि ये लोग खुशी खुशी वो सप्लीमेंट्स खा लें और असर भी अच्छा हो उसका। लेकिन वो खाती नहीं है ना अकेले, तो अंकित क्या करता है ना उसको साथ में, जब वो दूसरा वाला बछड़ा हमारा कौन है कैप्टन बेल का जो है आँख में इंजरी है, तो वो आगे खाता है, वो तब साथ में खाते है। कल मैंने उनको टोका कि आप ये दूसरा वाला बछड़ा दवाई खा रहा है उसकी, नहीं नहीं खाने दो, तभी ये खाएगी तुम दवाई। अच्छा बहुत क्यूट, सही ट्रस्ट इशू है इसको। यार तुम नेगेटिव जा रहे हो। नेगेटिव क्या, वो ट्रस्ट नहीं करती, शेयरिंग सीख रही है वो यहाँ पे। अच्छा शेयरिंग सीख रही है। अब क्योंकि हमारे यहाँ तरह तरह के एनिमल्स हैं, तो हमारे साथ तरह तरह के एनिमल लवर जुड़े हैं। अब हम आपको तीन अपडेट्स दिखाएंगे, एक गाय का, एक कुत्ते का और एक मुर्गे का। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो गौ सेवक हो कुत्तों को पत्थर ना मारते हों, और जो डॉग लवर है ज़रूरी नहीं कि मुर्गे ना खाते हों, और जो शाकाहारी हैं ज़रूरी नहीं कि गाय को डंडा ना मारते हों। राजकुमार का ऐसा है, जो इसके आई से डिस्चार्ज आ रहा था पिछले 5-6 महीने से, हमने काफ़ी एंटीबायोटिक्स भी चलाए थे है ना, फाइनली हमने पालमपुर में चेक करवाया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो इसका डक्ट होता है जिससे नोज़ की डिस्चार्ज आनी चाहिए ताकि नोज़ भी मॉइस्ट रहे, लेकिन वो डक्ट ब्लॉक हो गया था और उस वजह से वो डिस्चार्ज आई से आ रहा था है ना। वहाँ पर उन्होंने फ्लश कर दिया था, डक्ट ओपन हो गया था, लेकिन वापस से वहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से वो डक्ट ब्लॉक हो गया है। अब वो डिस्चार्ज फिर से आँख में आने लग रहा है और इन्फेक्टेड है, इसीलिए ये म्यूकॉइड डिस्चार्ज है। तो अब डॉक्टर्स ने बताया कि एनवायरनमेंट सूट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसका इन्फेक्शन कंटिन्यू रह रहा है ना। अब क्या है, बारिशें हैं, हाइजीन का प्रॉब्लम तो आता ही है, थोड़ा सा तकलीफ और रहेगा, लेकिन एक बार जैसे हम शिफ्ट हो जाते हैं और ये एरिया हमारे रेसिडेंट्स के लिए ओपन हो जाएगा, तो क्या हेल्दी एनिमल्स रहेंगे तो हाइजीन का उतना इशू नहीं आएगा जितना जो हमारे इंजर्ड एनिमल्स हैं, इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनके साथ आता है। इतना ड्रामा करती है ना, कभी भी इसका केज ओपन कर दो तो डिस्ट्रक्टिव नहीं है बिल्कुल है ना, बिल्कुल अच्छे से रहती है, साफ सुथरी रहती है ना। अगर कूप कर देगी कैनल में तो उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल के ढक देगी उसको है ना। हाँ हाँ बस मैं अच्छा नहीं बताऊँगी, कूप का नहीं बताऊँगी, सब कुछ हो गया है, बस इसको एक अच्छे घर की ज़रूरत है। कोई अच्छा घर मिल जाए ना, तो फिर हम दूसरे एनिमल्स के लिए जगह भी रख पाएंगे है ना। जो हम कहते हैं कि भाई जगह नहीं हो रही, जगह नहीं हो रही रेस्क्यू के लिए, तो उनके लिए भी तो जगह चाहिए। लेकिन अगर अडॉप्शन के लिए इतना डिले होगा तो जगह कैसे बनेगी। तो शेखन तो करने आता था ना, शेखन तेरे को क्या चाहिए भाई। मैं मेरे दोस्त का इलाज कराने आया है। खो गए हम कहां, रंगों सा ये जहां। ये सर इसकी बम्बल फुट कंडीशन है पैरों में। बम्बल फूट एक बीमारी होती है, इसमें पैरों में ऐसे सोर्स छाले से पड़ जाते हैं। ये इसलिए भी होता है क्योंकि जो ब्रॉयलर ब्रीड होती है ना, जो मीट पर्पस के लिए जो एनिमल्स बनाए जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स हैं सारे, तो इनका वेट इतना ज़्यादा होता है कि ऊपर से ऐसे प्रेशर की वजह से पैरों में जो मतलब फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि वेट ओवर वेट होते हैं ना बर्ड्स, तो चलने पर टाइम भी इनका फ्रिक्शन की वजह से भी सोर्स पड़ जाते हैं। वो सोर्स धीरे धीरे वहाँ पर इन्फेक्शन इकट्ठी हो जाती है और वैसे छाले से बन जाते हैं यहाँ पर। इनका एक जनरली ट्रीटमेंट ये होता है कि तो हम सर्जिकली मतलब किस तीखे नुकीली चीज़ से ऐसे क्रोच के निकाल देते हैं उस चीज़ को, और एंटीसेप्टिक बैंडेजिंग कर देते हैं 2% क्लोरहेक्सिडिन के साथ। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी इसकी कंडीशन उतनी है नहीं कि कुछ निकालना पड़े, सोर्स इसके रेडनेस ही है। चूचू ठीक हो जाएगा बेटे जल्दी, तो वही मेगा ने मुझे तंग कर दिया। ओके, जिस भी पशु को इंसान ने पालना शुरू कर दिया ना, उसका हमने बेड़ा गर्क कर दिया, खासकर उन पशुओं का जिनको हमने आलू प्याज की तरह फसल मान लिया। फिर भी कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये कहना है कि हमने अनाज सब्जी इतनी उगा ली है कि अब हमें फोकस करना चाहिए और जानवर उगाने पे। अरे सर, आप क्यों जानवरों की यातना बढ़ाने में लगे हैं और दूसरी तरफ पर्यावरण का नुकसान करने में। अगर आपके पास साइंटिस्ट हैं ही, तो क्यों ना हम टमाटर सस्ता करने पर काम करें।
नहीं, राजकुमार ऑल्सो कह रहा है कि हाँ, कान में बता रहा है। आई नो, अगर आप सुन सकते हैं कि ये क्या कह रहा है।